सात चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। दो फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है। कौन आगे है, कौन पीछे है, मतपेटी में किस्मत कैद है उम्मीदवारों की। 4 जून को फैसला होगा। इस बीच में नीतीश कुमार एक सीट पर प्रचार प्रसार को लेकर बेहद असमंजस स्थिति में है, दुविधा में है। कह सकते हैं कि धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि किसके खिलाफ प्रचार करें और किसके पक्ष में वोट मांगे। चुटी दोनों अपने ही हैं। एक तरफ उनके क्लोज नेताओं में से एक की बेटी है और दूसरी तरफ उनके कैबिनेट के मिनिस्टर के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट की। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संदीप पाठक जी हैं। वही डिटेल में बताएंगे कि आखिर वैसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या जो पार्टी का एनडीए का गठबंधन का धर्म है वो निभाएंगे या फिर एक दोस्त का फर्ज निभाएंगे। पाठक जी जी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जिस धर्म संकट में है वो गठबंधन के अनुसार उनके ऊपर कोई धर्म संकट रहना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो उनकी स्थिति है अभी, क्योंकि महेश्वर हजारी उनके अभिन्न मित्र हैं और अशोक चौधरी उनके किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, एक की बेटी तो एक के पुत्र, दोनों दो पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। एक उनके गठबंधन से चुनाव मैदान में है और दूसरे इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव मैदान में है। तो गठबंधन धर्म के तहत तो नीतीश कुमार जी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के साथ हैं, गठबंधन धर्म की तरफ। तो उनकी जो स्थिति है नीतीश जी की, वो मैं दो पंक्ति में आपको बताना चाहता हूं कि वो जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूं मैं, वो जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूं मैं, और ये जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे, ये स्थिति अभी उनकी है। अब क्योंकि महेश्वर हजारी भी नीतीश कुमार से उम्मीद रखते हैं कि उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं तो वो उनकी मदद करें, हालांकि महेश्वर हजारी खुद चुनाव से दूरी बनाने की बात कह चुके हैं। अब समस्तीपुर लोकसभा सीट के संबंध में हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि समस्तीपुर लोकसभा सीट 1972 में दरभंगा से अलग होकर समस्तीपुर जिला बना था और उसी समय संसदीय क्षेत्र घोषित हुआ था। 1977 में वो समस्तीपुर सीट तब चर्चा में आया जब कर्पूरी ठाकुर, जन नेता कर्पूरी ठाकुर, जनता पार्टी के टिकट से यहां से चुनाव जीते थे 1977 में। अब 2019 में इनके पुत्र जो है रामचंद्र पासवान पहले चुनाव लड़े थे, जो इनके छोटे भाई हैं रामविलास पासवान के, वो चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ महीने के अंदर ही उनका निधन हो गया था। तो इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र प्रिंस राज एलजीपी के टिकट से चुनाव जीते थे, 2019 की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के अशोक कुमार यहां से चुनाव मैदान में थे, वो करीब करीब 1,02,000 मत से चुनाव जीते थे प्रिंस राज। फिर 2014 में रामचंद्र पासवान तो चुनाव जीते ही थे डॉक्टर अशोक कुमार से, इनके मत का अंतर 24.7% था। 2009 में परिसीमन के बाद इसे सुरक्षित सीट कर दिया गया था, ये ज्ञात होने वाली बात है कि 2009 का जो परिसीमन हुआ था उस परिसीमन में समस्तीपुर सीट सुरक्षित कर दिया गया था। और सुरक्षित सीट के बाद होने के बाद जदयू के महेश्वर हजारी यहां से चुनाव जीते थे 2009 में, जिनके पुत्र अभी चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में। जी जी, तो जातिगत जहां इस आंकड़े का सवाल है इस क्षेत्र में, तब उन्होंने रामचंद्र पासवान को शायद हराया था 2009 में। जी जी जी, तो जातिगत
आंकड़ा अगर हम समझेंगे तो कुशवाहा और यादव जाति यहाँ के हर विधानसभा क्षेत्र में है, इनकी बहुलता है, लेकिन अगड़ी जाति और मुसलमान के वोट यहाँ निर्णायक साबित होते हैं। जी अब यहाँ जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में समस्तीपुर लोकसभा में कुशेश्वर स्थान, हायघाट, कल्याणपुर, बारिश नगर, समस्तीपुर, जी ये विधानसभा हैं। अब देखिए कि हायघाट से भाजपा के हैं और कल्याणपुर से जदयू के हैं और एक रोसड़ा भी है और रोसड़ा से भाजपा के हैं, बारिश नगर से जदयू के हैं, समस्तीपुर से आरजेडी के हैं और कुशेश्वर स्थान से जदयू के विधायक हैं। तो इस हिसाब से जदयू, भाजपा और लोजपा का गठबंधन यहाँ लीड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जहां महेश्वर हजारी का सवाल है, इनके पुत्र के चुनाव लड़ने का सवाल है, तो महेश्वर हजारी इनकी मदद खुले तौर पर न भी करें तो भी महेश्वर हजारी इस क्षेत्र के जाने माने लोग हैं और इस क्षेत्र की बारीकियों से वो परिचित है। तो महेश्वर हजारी की कर्मभूमि होने के कारण इसका फायदा इनके पुत्र सनी हजारी को मिलेगा। निश्चित रूप से सनी हजारी यहाँ मजबूती से फाइट देंगे सांभवी चौधरी को, लेकिन सांभवी चौधरी के साथ आचार्य किशोर कुणाल, जिनकी वो पुत्रवधू हैं, आचार्य किशोर कुणाल की जाति का भी वोट है, जी उसके बाद रामविलास पासवान का भी वोट है, जदयू का भी वोट है और भाजपा का भी वोट है। तो निश्चित रूप से अभी के समीकरण में और अभी के माहौल से यह लगता है कि सांभवी चौधरी इस सीट को निकाल ले जा सकती है। जी 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 पाठक जी, एक चीज, दो तीन चीज और है। देखिए, कहा ये जा रहा था, बीच में खबरें तैर रही थी सियासी समंदर में, कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उनके उनकी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के सिंबल पर अपने परिवार के सदस्य को लड़ाए। परिवारवाद के खिलाफ वो है, हमेशा बोलते रहे हैं, और सेम चीजें यहाँ पर हुई है। तो इसकी वजह से वो नाराज भी बताए गए। अशोक चौधरी पर खासे उन्होंने अपनी पुत्री को उस पार्टी के, उस नेता की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जिनसे 36 का आंकड़ा था, यानी चिराग पासवान से। और महेश्वर हजारी ने भी बाद में वही काम किया, कांग्रेस से अपने अपने पुत्र को टिकट दिलवा दिया। तो दोनों से खफा बताए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में जिस तरीके से महेश्वर हजारी ने डिसीजन लिया है कि वो उस क्षेत्र में अपने आप को जाएंगे ही नहीं, दूर रहेंगे, तो कहीं नीतीश कुमार भी तो ऐसा ही कोई एहतियातन कदम तो नहीं उठा रहे हैं कि आखिर किसके खिलाफ जाएं और किसके पक्ष में जाएं। इससे बढ़िया है कि हम जाएं ही ना जाएं। और अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं तो ये क्या कहेगा? ये फिर उनके सियासी धर्म पर सवाल नहीं उठाएगा? तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार कड़ा निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, पहली बात, क्योंकि दोनों जदयू के कद्दावर नेता हैं जी, और दोनों मंत्री हैं और दोनों मंत्री हैं। और दूसरी दोनों ओर क्लोज हैं। जी, और दोनों क्लोज हैं। दूसरी ओर कि नीतीश कुमार अगर परिवारवाद के खिलाफ हैं तो टिकट मिलने के बाद भी नीतीश कुमार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, नीतीश कुमार को बयान देना चाहिए था। अंदर से वो नाराज हैं लेकिन गठबंधन धर्म के कारण नीतीश कुमार को उस क्षेत्र में जाके वोट मांगना ही पड़ेगा, ये सत्य है।
क्योंकि चिराग पासवान से इनकी दूरी जग जाहिर है, लेकिन इस चुनाव में चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार का वेलकम किया है, नीतीश कुमार का स्वागत किया है, गठबंधन ने नीतीश कुमार को अभिभावक बताया है, उस हिसाब से वो चिराग पासवान को भी नाराज नहीं करना चाहेंगे। इसलिए शांभवी चौधरी के पक्ष में वो वोट मांगते नजर आए तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। चलिए पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।